जल बोर्ड के पानी में उबाल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा मंगलवार को पानी की दरों में 20% वृद्धि के प्रस्ताव का प्रदेश भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने जमकर विरोध किया और इसे जन विरोधी बताया। इन नेताओं का कहना है कि दिल्ली की जनता को फ्री में पानी देने का वादा कर सत्ता में आई केजरीवाल सरकार अब पानी के दाम बढ़ाकर जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। कल तक मेट्रो किराए पर आंसू बहाने वाले अरविंद केजरीवाल सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। उसने करीब 500-600 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ जनता पर पड़ेगा। तो वहीं विपक्ष के नेता ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि वह मुख्यमंत्री को पानी तथा सीवर के दरों में बेतहाशा वृद्धि वापस लेने के आदेश दे। जो व्यक्ति दिल्ली मेट्रो के किराए बढ़ाने पर इतना शोर मचा रहा है, आज उसी ने पानी तथा सीवर के दरों में 20% की वृद्धि करते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। ये थी एसबी न्यूज की रिपोर्ट।